अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। नाज़रीन, जिमखाना मैदान में पेश आए वाक़े पर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि इसमें एसोसिएशन की गलती नहीं है। इस वाक़े पसपर्दा जो भी खामियां हुई हैं इनको दूर किया जाएगा और हुकूमत को रिपोर्ट पेश की जाएगी। टिकट्स की तफसीलात मीडिया के सामने पेश किए जाएंगे। उन्होंने इस वाक़े पर वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ की जानिब से तलब करदा जायज़ा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैच के अहतमाम करना आसान नहीं है, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के खामियों को दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैच के इनेकाद कई उमूर पर मुश्तमिल है, इस अहदे पर आज वो है तो कल कोई और होगा, लेकिन सोच एक ही होनी चाहिए। तेलंगाना का वक़ार मज़ीद बेहतर बनाना हमारा मकसद है। कई साल बाद हैदराबाद में मैच के इनेकाद के सिलसिले में तमाम अफराद खुश थे। उन्होंने वाज़े किया कि 22 सितंबर को पेश आए वाक़े को मनफी नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। हैदराबाद के बेगमपेट पुलिस ने टीम इंडिया के साबिक कप्तान व हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अज़हरुद्दीन और एसोसिएशन के दिगर अराकीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टिकटों के मुबैना ब्लैक मार्केटिंग जिसकी लापरवाही की वजह से भगदड़ मच गई और जिमखाना ग्राउंड सिकंदराबाद में शाकिन को सहूलियत फराम ना करने के इल्ज़ाम में धोखाधही के 3 मुकदमा दर्ज किए गए। वाज़े रहे कि हैदराबाद में 25 सितंबर को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 मैच खेला जाने वाला है। पुलिस ने ये मुकदमा जख्मी होने वाले शाकिन की शिकायत पर दर्ज किया। देखिए ये रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 हैदराबाद। नाज़रीन, न्यूज 18 हैदराबाद चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ ही इजाजत दें, मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफिज।
है।